अक्षय तृतीया का महत्व क्यों है, जानिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अक्षय तृतीया के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आदित्य ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए, आज अक्षय तृतीया है और आज के बारे में कुछ टिप्स या तो फिर कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माता गंगा को तो सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, माता गंगा की पवन पानी से हम लोग शुद्ध होते हैं। तो बता देते हैं, आज के दिन माता गंगा धरती पर अवतारित हुई थी। भगवान परशुराम को तो आप लोग सभी जानते हो, भगवान परशुराम चिरंजीवी है ये भी आप लोग जानते हो। तो चलिए बता देते हैं, भगवान परशुराम का भी जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं तभी जीवित रह पाते हैं, है कि नहीं? और अन्न को भी माता कहा जाता है। अन्नपूर्णा माता की जो पूजा हम लोग करते हैं, वो अन्नपूर्णा माता का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन या तो फिर आज के दिन हुआ था। महाभारत के युद्ध से पहले द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ये तो सभी जानते हैं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, इसी वजह से ही महाभारत युद्ध भी हुआ था। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं, द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उससे श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी को बचाया था चीरहरण से, ये भी आप लोग जानते हो। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं, आज के दिन या तो फिर अक्षय तृतीया के दिन कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का चीरहरण से द्रौपदी को बचाया था। सुधामा को तो आप लोग सभी जानते हो, कृष्ण भगवान के अत्यंत प्रिय मित्र थे सुधामा। आज ही के दिन कृष्ण भगवान के साथ सुधामा जी का मिलन हुआ था। कुबेर भगवान को तो आप लोग जानते ही हो, उनके पास खजाना का भंडार है, तो आज ही के दिन कुबेर भगवान को खजाना मिला था। हम लोग या तो फिर मनुष्य लोग एक एक युग में वास करते हैं, जैसे कि सत्ययुग, त्रेतायुग, कलियुग। तो आप लोगों को बता देते हैं, सत्ययुग और त्रेतायुग आज ही के दिन से प्रारंभ हुआ था। भगवान ब्रह्मा को तो सभी जानते हैं, उनको सभी पूजते भी हैं। तो चलिए बता देते हैं, भगवान ब्रह्मा का एक पुत्र था, उसका नाम अक्षय कुमार था। तो अक्षय कुमार का भी जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में बद्रीनाथ उल्लेख है, और भगवान बद्रीनाथ का जो कपाट है अक्षय तृतीया का दिन ही वो कपाट खुलता है। वृंदावन के बांके बिहारी को तो आप लोग सभी जानते हो, सभी प्यार करते हैं वृंदावन के बांके बिहारी को। तो चलिए बता देते हैं, वृंदावन के बांके बिहारी के जो पद चिन्ह है, केवल सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार दर्शन करने को मिलता है, वो है आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन के बांके बिहारी का कमल चरण आज ही के दिन दर्शन करने को मिलता है, और बाकी साल भर कपड़े से उनका कमल चरण ढाका रहता है। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इस दिन आप लोग कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे जितनी जानकारी थी आज के इस शुभ दिन के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि आज का हर समय शुभ है, तो जितनी जानकारी थी मैंने टोटली आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर भी करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय।